Hello guys, welcomes once again comebacks and talent scout channel par. So today we learn about the narrations. Narration is very important topic for board classes and competition classes. All competition classes, there are many type questions asked in the competition class according to the narration. They can ask about the sende direct and indirect. So guys, namaskar. Saathiyo, aaj hum narration ke bare mein padhenge. Aur narration exam mein ya competition exam mein puche jate hain, to aapko jise direct de rakha hota hai, indirect aapse pucha jata hai, indirect aapko de rakha hota hai aur direct aapse pucha jata hai, to kis tarah se hum isko solve karenge, kis tarah se isko samjhe narration kya hota hai. To guys, aaiye saath mein aur let's come with me and learn about the narration. Narration के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये जो narration है, narration को हम speech भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Speech. और जो speech होती है, इसको two kinds में divideation किया गया है यहाँ पर, direct speech और indirect speech. Direct speech और indirect speech. तो आप ये समझ सकते हो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है. जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए किसी ने हमसे कुछ कहा और वही बात हम किसी दूसरे व्यक्ति या थर्ड पर्सन से जाकर ये बात कहते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा, तो जैसा उसने कहा था वैसे के वैसे ही शब्दों में अगर हम कहते हैं तो वह आपका डायरेक्ट स्पीच हो जाता है, और अपनी भाषा में कहते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच कह जाते हैं. जैसे मान लीजिए मेरे अध्यापक ने मुझसे कुछ कहा और मैंने वही बात मैंने अपने फ्रेंड्स को जाकर कही जैसा अध्यापक ने कहा था, तो वो हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच. और अगर मान लीजिए अध्यापक के द्वारा कही हुई बात को मैं अपने शब्दों में अपनी भाषा में व्यक्त करता हूँ तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया. तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के रूप में आप ये समझ सकते हो ये डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच है. तो डायरेक्ट स्पीच के अंदर सेंटेंस दिया हुआ है, टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, यू शुड कम रेगुलर इन द क्लास, यू शुड कम रेगुलर इन द क्लास, आपको नियमित रूप से क्लास में आना है. तो यहाँ पर कहीं देखिए, अध्यापक ने उससे कहा कि आपको नियमित रूप से क्लास में आना है, तो वही बात मैंने अपने फ्रेंड को उसी लहजे से कहा जैसे अध्यापक ने कहा था, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया. और अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ, टीचर टोल्ड मी डेट आई शुड कम रेगुलर इन द क्लास, अध्यापक ने मुझसे कहा था कि मुझे कक्षा में रोजाना आना चाहिए था, तो ये अपनी भाषा में अपने शब्दों में कही हुई बात होगी तो इनडायरेक्ट स्पीच. तो दोस्तों, हमें सीखना यही है. तो गाइज, हमें सीखना यही है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे उसको चेंज करें, सीखना ये होता है. तो सीखने के लिए हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट आप देख रहे हो कोमा के पहले का, इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच. ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है. और ये जो कोमा के इधर वाला जो पार्ट, कोमा के इधर वाला पार्ट तो रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, और इधर वाला जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच हो गया. कौन सा स्पीच हो गया? रिपोर्टिंग स्पीच. तो यहाँ से यहाँ तक का भाग जो होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच हो गया. तो डायरेक्ट हमें समझना है कि जो डायरेक्ट स्पीच होती है टू पार्ट्स में डिवाइडेशन होती है, दो भागों में विभाजित होती है. कोमा तक के भाग को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, कोमा के भाग को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. तो गाइस, हमें ये समझना है यहाँ पर कि जो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कैसे होते हैं. तो यहाँ पर कुछ रूल्स है. तो सबसे पहला जो रूल्स है, यहाँ पर ये जो शेड है इसको चेंज किया जाता है, शेड है इसको चेंज किया जाता है. शेड को किस तरह से चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ये गाइस यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये शेड है, तो इसको शेड को हम यहाँ पर कैसे चेंज करते हैं, तो ये चेंज करते हैं हम काइंड ऑफ सेंटेंस के अनुसार, काइंड ऑफ सेंटेंस के अनुसार. जिस तरह से सेंटेंस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है. तो जैसे मान लीजिए ये आपके रिपोर्टिंग स्पीच में शेड है, और रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको टोल्ड में बदल देंगे.
सिंपल और नेगेटिव सेंटेंस है तो सेट को टोल्ड में बदल देंगे, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क में बदल देंगे। रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है तो एडवाइस रिक्वेस्टेड कमांड ऑर्डर अलाउड उनके जो ऑप्टेटिव इंपेरेटिव का जो भावार्थ शब्द है उसके अनुसार हम उसमें बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एटीसी लगा रखा है तो इसका मतलब कुछ भी आ सकता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आपको एक्सक्लेम लगाना है। अब बात रही कनेक्टर की, तो कनेक्टर हम ये देख सकते हैं या तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार देख सकते हैं या फिर शेड में जो हमने लगाया है उसके अनुसार देख सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप देख सकते हो। टोल्ड लगाया है तो डेट आएगा, आस्क लगाया है तो इफ या डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। इफ यदि एक्टिंगर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू है तो इफ आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है तो डब्ल्यू एच वर्ड ही कनेक्टर रहेगा। एडवाइस रिक्वेस्टेड इस तरह का भावार्थ शब्द आता है या ऑपरेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो टू लगाना है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो डेट लगाना है। तो इस तरह से आप कनेक्टर लगा सकते हो। तो ये कनेक्टर हो गया आपका, शेड हो गया। और तो शेड और कनेक्टर किसके अनुसार चेंज किया जाता है? रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार ये चेंज किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं, यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि यहाँ पर शेड कैसे चेंज किया जाता है, कनेक्टर कैसे लगाया जाता है। अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो कॉमा होता है ये हट जाता है, इन्वर्टेड कॉमा होता है वो भी हट जाता है, यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा है ये भी हट जाता है यहाँ पर, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये भी हट जाता है और जो टू है ये भी हट जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट केवल रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इस रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही चेंज होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच उसी के अंदर चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में कोई सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। तो गाइस हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में जैसे यहाँ पर यू है, यहाँ पर यू है तो यू किसके अनुसार चेंज होगा ये समझना है हमें। तो और तो यहाँ पर गाइस आप यहाँ पर यहाँ ये मैंने सारणी लिखी हुई है इसको आप समझ सकते हो, सारणी है प्रोनाउन चेंजिंग की। तो केवल हमें चेंज करना है आई वी और यू चेंज करना है, बाकी यहाँ पर लिख रखा है अदर प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट नो चेंज। आई वी यू के अलावा कोई सा भी यहाँ पर प्रोनाउन या सब्जेक्ट हो तो नो चेंज, कोई सी प्रकार का चेंजिंग आपको नहीं करना है। तो आई और वी और यू को चेंज करना है। तो यहाँ पर देखो गाइस यहाँ पर यू है तो यू किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर जैसे आई और वी होता तो ये चेंज होता रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? टीचर। तो इसके अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार चेंज होगा अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आई और वी है तो। और यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू है तो रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग जो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार यू चेंज होगा। तो गाइस आपको केवल ये समझना है कि आई और वी और यू चेंज होता है और आई और वी रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, यू रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है और अदर प्रोनाउन एंड सब्जेक्ट नो चेंज। तो इस तरह से आपको केवल ये सब्जेक्ट में चेंज करने वाली बात समझनी है। तो यहाँ पर आपके ये भी हो गया। और इसके बाद में हम बात करते हैं टेंस चेंज की। तो टेंस चेंज को मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगा कि टेंस किस तरह से चेंज किए जाते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है तो उसको हम पास्ट में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? पास्ट में। अब आप ये समझ सकते हो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर। तो इस तरह से जो प्रेजेंट है उसको पास्ट में चेंज कर देते हैं। अगर मान लीजिए फास्ट ही है तो आपको क्या करना है? फास्ट इंडेफिनिट को फास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, पास्ट कंटिन्यूस को फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। लेकिन अगर मान लीजिए पास्ट फास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आपको दे रखा है तो आपको नो चेंज करना है, किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। फ्यूचर टेंस है तो आपको केवल क्या करना है? विल सेल को चेंज करना है इनटू वुड में, अर्थात विल सेल को वुड में चेंज करना है। केवल यहाँ पर विल सेल चेंज इनटू वुड, विल सेल को चेंज करना है आपको, केवल वुड में चेंज करना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये देखिए, और यदि मॉडल वर्ग की बात करें तो कैन है तो आपको कुड में चेंज करना है, मे है तो माइट में चेंज करना है, शुड है तो शुड रहेगा, मस्ट है तो मस्ट रहेगा, विल सेल है तो वुड में चेंज करना है। तो गाइज ये देखा आपने इस तरह से, अगर मान लीजिए हम सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इन रूल्स के माध्यम से हम चेंज कर सकते हैं, और ये आपके यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, इस एग्जांपल में आप समझ सकते हैं जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हमने कैसे चेंज किया। तो यहाँ पर गाइज आप देखिए, जो टीचर्स है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टीचर्स है वो सेम टू सेम आ गया, यहाँ पर नो चेंज हुआ। सेड को चेंज करना है तो किसके अनुसार चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है, यू शुड कम रेगुलर इन द क्लास, ये सिंपल सेंटेंस है, इसलिए सेड के स्थान पर टोल्ड आ गया। टू को हटा ही देते हैं हम, मी ऐसे से आएगा। अब उसके बाद में दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्टर की आवश्यकता होगी। तो ये देखो कनेक्टर के सामने यहाँ पर डेट आ गया, तो इसका मतलब ये टोल्ड आ गया, तो इसका मतलब कनेक्टर डेट आएगा, और डेट इसलिए है क्योंकि यह सिंपल सेंटेंस है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पर डेट कनेक्टर हो गया। ओके, डेट कनेक्टर हो गया। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन चेंजिंग की, जो प्रोनाउन चेंजिंग की सारणी समझाई थी मैंने आई वी और यू की। तो उसमें देखो आई जो यू है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है, तो मी किसके अनुसार चेंज होगा, यू के अनुसार, तो मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई। तो यहाँ पर आई शुड कम रेगुलर इन द क्लास। अब टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने इसको फास्ट में चेंज करना है, तो फास्ट में चेंज करने के लिए शुड का शुड ही रहेगा। तो गाइस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने जिस तरह से शॉर्ट समय में आपको इतना कुछ बताने का प्रयास किया, फिर भी कुछ कमी रह सकती है, तो फिर मैं आपके सामने एक्सरसाइज या डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको एक्सरसाइज या कुछ जो कमी है रह गई है या जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपको मैं सॉल्यूशन दूंगा और सॉल्यूशन करूंगा। इसके अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में जारी करूंगा इसका, उसमें आप उस समस्या का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको नई नई वीडियो प्राप्त होते रहे, उसके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे, इसलिए मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, वेल डन।